उत्तर प्रदेश के बाहुबली और 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उसके विरासत का क्या होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे माफिया हैं जो कि मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर अपना दावा ठोक सकते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की जन्मभूमि भले ही गाजीपुर रही हो, लेकिन उसने अपनी सियासत कर्मभूमि मऊ को बनाई है। 1996 से लगातार 2022 तक वो मऊ सदर से विधायक रहा। मऊ से ही पूरे पूर्वांचल में उसने अपना सिंडिकेट खड़ा किया। जब अब उसकी मौत हो गई है, तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मऊ में उसके साम्राज्य का और उसके विरासत का क्या होगा। मुख्तार अंसारी के बाद मऊ में जयराम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम उसका दाहिना हाथ रहा शार्प शूटर अनुज कनौजिया का है। मुख्तार के पूर्वांचल में अपराध के सारे काम अनुज ही देखता था। वो निशंस हत्या करने के लिए जाना जाता है। अनुज कनौजिया ही मुख्तार के रंगदारी जमीन और रियल एस्टेट के काम देखता था। 2 लाख के इनामी अनुज कनौजिया पर लूट हत्या और रंगदारी के कई मामले हैं। फिलहाल मुख्तार का ये शार्प शूटर फरार है। हालांकि अनुज की पत्नी रीना राय और जीजा शिवरतन भी रंगदारी के मामले में झारखंड से गिरफ्तार किए गए थे। फिलहाल रीना और शिवरतन गैंगस्टर एक्ट में मऊ जेल में बंद है। अनुज कनौजिया के बाद रमेश सिंह काका का नाम आता है जो मऊ में मुख्तार की विरासत पर दावा ठोक सकता है। रमेश सिंह काका पर भी हत्या रंगदारी समेत कई मामले दर्ज किए गए हैं। आईआर 2012 गैंग का सरगना रमेश सिंह काका का नाम 2013 में वाराणसी जेल के डिप्टी ज्वेलर अनिल त्यागी की हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था। बीटीसी की ट्रेनिंग लिए रमेश काका ने अपराध की दुनिया में मास्टर हासिल कर ली है। रमेश सिंह काका पर हत्या लूट और रंगदारी के 64 मुकदमे दर्ज हैं। ठेकेदारी रंगदारी और राइस मिल के जरिए मऊ में मुख्तार के बाद रमेश काका का ही सिक्का चलता था। फिलहाल रमेश सिंह काका जेल में बंद है। रमेश काका की पत्नी सपा के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुकी है। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद सारे बदमाश या तो फरार हो गए या उनका एनकाउंटर हो गया या फिर वो अभी जेल में बंद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।